वेलकम बाबू, स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो ग्रुप बी की कौन कौन सी नौकरियां हैं जो कि गेजेटेड पोस्ट हैं। गेजेटेड का मतलब ये होता है जो भारत का राजपत्र होता है या किसी राज्य सरकार का राजपत्र होता है, तो उस राजपत्र में उनके नाम होते हैं, वो मोहर लगा सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को। इसके अलावा उस पोस्ट के अनुसार उनकी अलग अलग शक्तियाँ, जिसे कहें पावर या कैपेसिटी, जो उन्हें अधिकार क्षेत्र दिए जाते हैं, उनके पास होती हैं। तो हम बात करेंगे ग्रुप बी की जॉब्स और गेजेटेड, वो भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि ग्रुप ए बी सी और डी इनकी जॉब्स क्या होती हैं। तो हमने इसके एक ये वीडियो बनाया, इसके बाद ग्रुप ए में कौन कौन सी जॉब आती हैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया। अब इसमें हमने ग्रुप बी की गेजेटेड पोस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और उन बाकी दोनों वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे नंबर वन पे आती है वो दिल्ली अंडमान निकोबार आइसलैंड पुलिस सर्विस आती है। अब देखिए, इसमें भर्ती अगर आप होना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी द्वारा निकाला गया एग्ज़ाम, जिसे आप कहते हो आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम कहते हो, आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम के थ्रू आप इसमें भर्ती ले सकते हैं और ये प्रत्येक साल एग्ज़ाम निकलता है, जिसे आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हो, ठीक है। और ये चीज़ मैंने विकीपीडिया पे ली है, थोड़ी थोड़ी मैंने एक प्रिंट आउट लिया ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो ये दिल्ली अंडमान निकोबार आइसलैंड लक्षद्वीप दादर एंड नगर हवेली जो हैं उन सब में आप पुलिस सर्विस में जा सकते हो, जैसे कि इंडियन पुलिस सर्विस होती, आईपीएस होती, इसी प्रकार आपको यहाँ जैसे दिल्ली में जाना है पुलिस में भर्ती होना, अफसर बनना है, तो बाकी राज्यों में आईपीएस होते हैं, लेकिन इनमें जो है ना DANIPS करके आप इसे शॉर्ट में कह सकते हो, तो एज इक्वलेंट टू आईपीएस ही होते हैं, लेकिन इनके थोड़े से प्रमोशन स्लो होते हैं इन कंपेरिजन टू आईपीएस अफसर। तो ये मैंने आपको बता दी, इनकी भर्ती भी यूपीएससी एग्जाम के थ्रू ही होती है, लेकिन ये ग्रुप बी की पोस्ट रहती हैं बट गेजेटेड रहती हैं, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस में अधिकारी बनना चाहते हो तो भी आपको जो है ना निकालना पड़ेगा एग्जाम यूपीएससी द्वारा। तो आप ये पर्चोरी जो है हमारी, उसकी पुलिस सर्विस का लोगो है पीपी करके, जो आईपीएस का होता है वहाँ पर, यहाँ पर आईपीएस लिखा होता है, तो इस तरह का ये कुछ होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। और आगे सर्विस के बारे में हम देख लेते हैं। और जो अगली सर्विस है अपनी आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, ये क्या है कि जो भारत की तीनों सेनाएं हैं, मतलब कि भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना, तो इनके हेडक्वार्टर्स में कुल वैकेंसीज होती हैं जो कि यूपीएससी के एग्जाम द्वारा ही भर्ती की जाती है। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी एग्ज़ाम, उसके द्वारा भर्ती होती है। तो आप आईएएस का एग्ज़ाम वगैरह देकर आप इसमें भी भर्ती ले सकते हो। तो इसमें आप टॉप लेवल के अधिकारी बनाए जाते हो, गेजेटेड पोस्ट आपकी रहती है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो इसमें आप भर्ती ले सकते हो, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स अफसर होता है वो ग्रुप बी का पोस्ट है। इसमें आप जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हो, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के थ्रू आप इसमें भर्ती हो सकते हो। तो सीजीएल एग्ज़ाम एक बड़ा महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, उसमें भी कुछ पोस्टें ग्रुप बी की रहती हैं और गेजेटेड रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने आपको यहाँ से बताई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी ग्रुप बी की जॉब्स वगैरह होती हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और जो हमारी ग्रुप बी की जॉब है वो है जूनियर कमीशन ऑफिसर। ये क्या होते हैं कि भारतीय सेनाओं में, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना में JCO की एक रैंक होती है, JCO जिसे कहते हैं जूनियर कमीशन अफसर। तो इसमें ये भी ग्रुप बी की गेजेटेड पोस्ट होती है। इसमें भी भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राजपत्र में इनका नाम निकलता है, ये भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रमाणित कर सकते हैं, मोहर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मिलिट्री में रैंक चलती है, JCO रैंक का ही जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये चीज़ भी हमने विकीपीडिया से ली है, तो ये चीज़ लागू होती है। और आगे देख लेते हैं आपको ये, और जो हमारा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसमें भी कुछ पोस्ट रहती हैं जो कि ग्रुप बी की गेजेटेड पोस्ट होती हैं, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप गेजेटेड पोस्ट चाहते हैं ग्रुप बी की, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है जो मैं आपको यहाँ से बताऊँगा कि जो स्कूल के जो हमारे प्रधानाचार्य जी होते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल जो होते हैं, ये भी ग्रुप बी के गेजेटेड पोस्ट होते हैं। तो कोई भी सरकारी स्कूल है आपका, तो उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो गेजेटेड पोस्ट मानी जाती है। तो आपने देखा होगा कई सारे स्कूल के प्रिंसिपल जो है ना डॉक्यूमेंट, मतलब आपकी मार्कशीट वगैरह प्रमाणित कर देते हैं, उसमें मोहर लगा देते हैं, क्योंकि वो एक गेजेटेड पोस्ट होती है, ठीक है। ग्रुप बी की जॉब्स होती है, अधिकारी लेवल की जॉब होती है आपके प्रिंसिपल। तो ये कुछ मुख्य जो जॉब्स थी मैंने आपको बताई जो कि ग्रुप बी की गेजेटेड पोस्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। और ग्रुप ए बी सी डी क्या जॉब्स होती हैं इसका वीडियो मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा।
इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।